कांगड़ा में लॉकडाउन के तहत नूरपुर में भी इसका असर देखने को मिला। कुछ खाद्य पदार्थों के अलावा सभी दुकानें बंद नजर आई। नूरपुर के कस्बा जसूर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। नूरपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखी और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर बनाए रखी। नूरपुर के डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि लॉकडाउन में दवाई, सब्जी व राशन की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अगर इन दुकानों में सामान लेने के लिए आना है तो घर से पैदल आएं और ज्यादातर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। अस्पताल में जो लोग जा रहे हैं वो जा सकते हैं। बॉर्डर पूरी तरह सील है और जो लोग जिस भी स्थिति में हैं वे वहीं रहें। बाहर की गाड़ियां व दूसरे राज्यों के लोगों का आना अब हिमाचल में वर्जित है। ये है कि सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, दवाइयों की दुकानें होगी, सब्जी की दुकानें होगी, ग्रोसरी की दुकानें होगी, सिर्फ ये जो लोग हैं यही दुकानें ओपन की जाएंगी। और लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि अगर इन दुकानों पर आना है तो कृपया घर से पैदल आएं सामान लेने के लिए और ज़्यादा अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें एसेंशियल सर्विसेज के बिना। बाकी जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वो अलाउड है। बॉर्डर हमने पूरे सील कर दिए हैं, कटवाल साइड, चंबा साइड जो बॉर्डर लगते हैं, इंदौरा साइड लगते हैं, सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। जो लोग जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं रहें। बाहर की गाड़ियाँ या बाहर के लोग स्टेट में अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो है पूरी हमने सख्ती बरती हुई है यहाँ पर और लोगों को हम गाइड कर रहे हैं कि अपने घरों पर रहें और लॉकडाउन जो है उसको उसका जो पर्पज़ है उसको डिफीट ना होने दें। वहीं एंजल दिव्यांग आश्रम के नीरज शर्मा ने अपनी सेवा करते हुए नजर आए। उन्होंने जगह जगह पर जाकर पुलिस कर्मचारियों को मास्क व सैनिटाइजर दिए और अपना ख्याल रखने का आह्वान किया। आज हम एंजल दिव्यांग आश्रम की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर जो हमारे बॉर्डर के पुलिस वाले हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभा रहे हैं उनको हमने ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइजर बांटने की ताकि वो भी अपनी सेहत का ध्यान रखें और जो ये संक्रमण फैला हुआ है कोरोना कोविड-19 इससे वो भी सुरक्षित रहें जिससे कि सारा समाज सुरक्षित रहे।